आपकी मर्जी, मत बताए, मगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मेरे सर मत डालना। तुम ऐसे बड़े आए पंचायत के, जो मैं अपने सारे मलबे तुम्हारे सर पे डालूंगा। चलो जाओ। कभी कभी किसी की बातें भी इतनी मीठी होती है कि इंसान उस पर भी मुस्कुरा देता है। किसकी मीठी बातों पे? कौन है वो? ये क्या तरीका है कमरे में आने का? क्यों, सही चलकर नहीं आया क्या? ये पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा था? वो मैं देख रहा था कि चांद बाबू कहीं मुझे देख ना ले। क्यों, चांद बाबू कहाँ है? वो अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं। अरे बेवकूफ, वो इतनी दूर से तुझे कैसे देख सकते? क्यों, उनकी दूर की नजर कमजोर है क्या? अरे दूर की नजर खराब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि बीच में दीवारें भी तो होती हैं, दीवार के आर पार वो कैसे देखेगा तुझे? ये बात भी है। क्यों आए, क्या खिचड़ी पक रही है फिर से? वो खिचड़ी नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है चांद बाबू पागल हो गए, मोबाइल देखकर हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अब तो मुझे उनके पास जाते हुए भी खौफ आता है। ऐसा क्या हो गया? इधर कैसी फजूल बातें कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं तो आप खुद चल के देख ले। इधर जरा खुल के तो बता क्या बात है। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा दिल जो गवाही दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मतलब यही कि मेरा दिल कहता है कि जब तुम बोलती होंगी तो फिजाओं में हर तरफ मौसीकी बजती होगी। तुम्हारी मधुर आवाज जब तुम्हारे नाजुक लबों से निकलती होंगी तो दुनिया सुर सुर होगी। क्यों ना सोचूं, तुम हो ही इतनी खास, प्लीज थोड़ी देर बात कर लो, सिर्फ 5 मिनट प्लीज। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बोलो ना प्लीज। ऐश, हेलो, ओ तेरी, हेलो हेलो चांद, कैसे हो? किससे बातें कर रही हो, कौन है? लो दो मुझे। तू रुक बेटा, मैं तेरा मुकम्मल इलाज करता हूँ तेरे घर आकर। लोफर कहीं के? अरे क्या हो गया चांद बाबू, सर्दी लग रही है क्या? सर्दी नहीं लग रही, डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं कुछ नहीं करने वाला यार। तुझसे कौन डर रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ जो अगर कहीं वो दरवाजे पे आ गया तो। कौन आ गया तो? वो ऐश का भाई। ऐश, ऐश्वर्या राय। ओ भाई, ऐश का मतलब ऐश्वर्या राय है या कुछ और मुझे नहीं पता, बस इस वक्त मुझे उसके आने से डर लग रहा है। अगर अभी घर पर कोई भी और मेरा पूछे तो कहना कि घर पर वो नहीं है। अबे भाई, तुमने क्या उसकी बहन को कुछ कह दिया जो वो यहाँ आएगा? अरे यार, तू मेरे लिए थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोल सकता। क्यों बोलूं भाई, मेरा क्या फायदा होगा? तेरा फायदा हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा। ठीक है, जब फायदा हो जाएगा काम भी हो जाएगा।
अभी तो कर लेगा ना भाई। ठीक है कंगले, तेरे से ये भी निकल गए गनीमत है, कर देंगे तेरी बचत। चांद है इस वक्त कहाँ? वो तो रात को निकलता है। कहाँ से निकलता? यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकलता आसमान में। जो चांद इस घर में रहता है मैं उसका पूछ रहा हूँ। अच्छा वो, मुझे लगता है यही वो। इसका भाई है, सबर, अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ। इतना जबरदस्त कबूतर बैठा हुआ है। क्या बना? मैंने उसका काम तमाम कर दिया। क्या तुमने उसको जान से मार दिया? नहीं नहीं, मैंने तो आपका ये पसीने वाला गंदा रुमाल उसको चुंगाया बेहोश होने के लिए। अब मर गया तो उसका नसीब। तू तो कह रहा था कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया, फिर ये क्या है? ये मुझे क्या पता, खोलेंगे तभी पता चलेगा। आज तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ से एक नहीं बल्कि दो दो खून होंगे। हैं? हाँ दो दो पागो।